नाव कॉम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इसको आपको कंठस कर लेना है मेकानिजम ऑफ एक्शन और ड्रग्स ये दो तरह में डिवाइडेड होता है एक होता है नॉन रिसप्टर मीडिएटेड एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड ठीक है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड को आप याद रख सकते हो टिप्सी से जैसे कोई थोड़ी बहुत दारू पिया होता है स्लाइटली ड्रंक होता है तो उसे कहा जाता है वो बंदा या बंदी टिप्सी है टिप्सी ये लिखते हैं बट आप इसमें कैसे टिप्सी टी आई पी सी ई ट्रांसपोर्टर्स आयन चैनल्स ठीक पी से फिजिकल एक्शन सी से केमिकल एक्शन और ई e से एनजाइम्स ठीक है और ये रिसेप्टर मीडिएटेड मैं जब छोटा था मुझे बहुत ज़्यादा शौक था वो छोटे छोटे जो होते हैं ना टॉयज बच्चों के वो जी जो आपको याद होगा ठीक है एनी वन फ्रॉम दैट एरा कैन रिकलेक्ट जी आई जो छोटे छोटे फिगरीन्स के साथ खेलने का बहुत मजा आता था सो so, जी से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आई से आयन चैनल रिसेप्टर्स जी से जैक स्टार्ट बाइंडिंग रिसेप्टर्स अभी डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं ई e से एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स और एक आखिरी है आई लव टू प्ले विथ न्यू जी जोस ठीक है सो so एन से आप लिख सकते हो न्यू जी जोस ठीक सो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से कौन से काम करते हैं इस्पा घुला कई बार जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है अगर आप इसको पानी के साथ देते हो तो ये स्वेलअप हो जाता है और स्वेल अप होकर जो इंटेस्टिन का जो मतलब जहां पर आपको पता है उसमें मोशन कम होता है सो so ये बेसिकली बल्क ऑफ फीकल मास को इंक्रीज करे तो so बल्क बढ़ गया तो आराम से आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा ठीक इज एनीथिंग लैगज रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन ठीक है दैट इज नोन एज ए लैगेटिव उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल चारकोल को स्टीम के थ्रू पास किया जाता है टू इंक्रीज इट्स पोरोसिटी और ये अपनी एब्जॉर्पटिव प्लीज दिस 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 वर्ड इज 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 नॉट अ सरफेस फिनोमिन ठीक एब्जॉर्बेशन इज अ सरफेस फिनमिनल इसमें क्या होता है जो भी हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम लोग देते हैं इसको जनरली जो सरफेस होता है वो सारी पॉइजन के जो टॉक्सन होते हैं सबको एब्जॉर्ब करता है मतलब सरफेस पर ही एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है सरफेस फिनोमिनल होता है फिर मैनेटॉल आप लोग बाद में पढ़ोगे डायबिटिक्स में इसमें ऑस्मोटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है ये बेसिकली क्या होते हैं दीज आर वेरी हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेस तो ड्यू टू दिस हाई मोलिकुलर वेट इनकी प्रॉपर्टी होती है कि पानी खींच लेते हैं दे पुल आउट ऑल द वाटर ठीक है तभी मैनेटोल को दिया था सरब्रल एडिमा केसेस के में एडिमा में पूरा फ्लूड भरा होता है ब्रेन के अंदर ठीक है तो एक लाइफ सेटनिंग इमरजेंसी होती है इंट्राविनस मैनेटॉल दिया फटाक से यहाँ गया सारा का सारा एडिमा इसने पुल कर लिया क्योंकि सारा का सारा फ्लूड इसने खींच लिया ठीक फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया फिर आयोडीन वन थर्टी वन अदर रेडियो आइसोटोप्स फॉर रेडियो एक्टिविटी ठीक है एंटीथाइरोड ड्रग्स की तरह इसको देते हैं इन द केस ऑफ थाटॉक्सिकोसेस ठीक है ये मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी के लिए बस वो मैंशन कर देता हूँ कंडीशन जिसमें इसको दिया था दैट इज थायरोटोक्सिकोसिस ठीक उसके बाद एंटासिड जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली एक्ट बायिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है इसमें जो आप लोग पीते ही होंगे कभी कभार ज़रूरत सबको पड़ी जाती है तो एग्जाम्पल्स आपको जेल्यूसल या डाइजीन सब में और सबसे मज़े की बात क्यों इन दोनों कंबाइन किया था यह मैं आपको राशनल बताता हूँ ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है एक करता है कॉन्स्टिपेशन और एक करता है डायरिया तो हम लोग तो हैं भैया इंटेलिजेंट और स्मार्ट एक करेगा कॉन्स्टिपेशन एक करेगा डायरिया दोनों को कंबाइन कर दिया ये बाद में बताऊंगा कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन और कौन सा डायरिया करता है आपके लिए आप लोग ढूंढ लो तो अच्छी बात है सो so, दोनों को साथ में कंबाइन करके तो फिर सही है 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 मतलब एक एक बढ़ा रहा रहा कम कर ठीक उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चिलेटिंग एजेंट्स ये मैं आपको में, में करूंगा EDTA, that is, डाइमर कैप्रोल यूज फॉर चिलेशन ऑफ मेटल। चिलेशन मतलब चिपका लेना को अपने से चिपका लेता है ठीक फिर कोलेस्टाज सिक्वेस्टेशन ऑफ बाइल एसिड्स एंड कोलेस्ट्रोल इन द गट ठीक है इसको हाइपोलिपिडिमिक ड्रग्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे मेसना वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है साइक्लोफोसोमाइड एंटी कैंसर ड्रग विच कॉजेज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विच इज नोन एज हिमोराजिकाइटिस सो so, सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए मेसना इज अ ड्रग ऑफ चॉइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पी जी एग्जाम में इवन आपके प्रोफेशनल्स में दिस कैन कम ठीक है आपके जो प्रोफेशनल्स होंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के एम बीबीएस और बी डी एस ठीक है तो हिमोराजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन गिव मेस्ना अब उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स ये प्रोड्यूसर इफेक्ट्स पर इंटरेक्टिंग डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यू जो जनरली एक प्रोटीन होता है ठीक इस मैकेनिज्म की वजह से एक्टिविटी को थोड़ा सा और सेलेक्टिविटी हो जाती है इस क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं फिर इसमें फंक्शनल प्रोटीन्स चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे पहला होता है एंजाइम्स आयन चैनल्स ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स राइट यू आर राइट सर यू आर राइट सर एक्चुअली यू आर राइट अगर आपको याद हो बादशाह का फेमस सीन जिसमें कि बादशाह उसे कहता है ड्रिंक्स मिक्स होने की वजह से कहता है एक्चुअली आई थिंक यू आर राइट सो राइट ठीक आर आई जी एच टी होता है बट इसमें आप राइट right याद कर लोगे ठीक राइट right के उससे याद हो जाएगा ठीक उसके बाद एंजाइम इनबिशन की अब हम बात करेंगे सबसे पहले ठीक है सबसे पहले एंजाइम्स में एंजाइम में भी सिर्फ एंजाइम इनिबिशन की ठीक ये दो तरह से हो सकता है एक होता है कॉम्पिटेटिव एक होता है नॉन कॉम्पिटेट कॉम्पिटेटिव में तो आपको पता है एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करता है एक एक्टिव साइट होती है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई होगा और एक होती है एलोस्टेरिक साइट जो कोई और साइट होती है डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट साइडिटेटिव या सरमाउंटेबल कहते हैं अगर सबस्ट्रेट का सरबलट्रेशन आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो इसको ओवरकम भी कर लेगा बट नॉन कॉम्पिटेटिव इज नॉन सरमाउंटेबल उसमें सबस्ट्रेट जितना मर्जी बढ़ा लो उसको बोलेगा मैं नहीं हटने वाला भैया मैं तो चिपक के बैठा हूं ठीक है तो ये दो तरह का हो गया एक हो गया इकोलिब्रियम टाइप एक हो गया नॉन इकोलिब्रियम टाइप फिर नॉन कॉम्पिटेटिव या इनसरमाउंटेबल इनिबिशन ठीक पहले इक्विलिब्रियम का डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ठीक है तो या ड्रग ठीक यहाँ पर आप देख सकते हो एंजाइम सबस्ट्रेट और इनिवेटर इनिवेटर आकर के एक्टिव साइट पे बाइंड किया दोनों इसी एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे और नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट अब एग्जाम्पल इसके आओ आ मैं क्यों ऐसे चीखा ताकि आपको याद हो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक आओ एक, ठीक, एक्स और पेन्स इसको कहते हैं एक तो आई वॉन्ट टू हैव नो पेन वो कहते हैं ना नो पेन नो गेन बट इसमें नो पेन फुल गेन ठीक है नो no पेन मतलब नो no, नियोस्टिगमीन और पी से फाइसोस्टिगमीन तो अगर एक हो रहे हैं तो नियोस्टिगमीन या फाइसोस्टिगमीन दीजिए ठीक है ये बस याद करने के लिए ठीक है ऐसा होता नहीं है और पी से फाइसोस्टिगमिन पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अभी मैं बता देता हूं दिस इज अ टर्शरी अमीन विच पेनीट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर और न्योस्टिग्मीन नहीं करता है इसको पेनेट्रेट इसीलिए न्योस्टिग्मीन को एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है जिसका नाम होता है माएस्थीनिया ग्राविस माएस्थीनिया ग्राविस में न्योस्टिगमीन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस क्योंकि वहां पे आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज होती है न्यूरो न्यूरोस्कुलर जंक्शन पे ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं ठीक है जो एन एम रिसेप्टर आपके होते हैं तो है, दे आर प्रेजेंट एट द न्यूरो न्यूरो में नहीं देंगे क्योंकि कोई सेंट्रल इफेक्ट्स नहीं है क्यों हम ब्रेन में जाके साइड इफेक्ट्स दें करें बट 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 क्योंकि फाइसोस्टिगमिन पेनिट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को तो इसका भी हम फायदा उठाएंगे भाई ऐसे थोड़ी इसको छोड़ देंगे हम तो फाइसोस्टिगमिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रोपिन पॉइजनिंग एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जिसका नाम होता है एट्रोपिन तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस ठीक उसके बाद मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए ठीक है ये कैटेकोलोमीन्स को डिग्रेड करता है कैटेकोलोमीन्स कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक होता है आपका डोपामीन फिर दूसरा होता है नॉर या नॉर एड्रेनलिन और तीसरा होता है एड्रेनलिन एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन दीज आर कैटेकोलोमीन्स और इनका जो कॉम्पिटेटिव एनिबेटर होता है उसका नाम होता है मोक्लोबेमाइड ठीक है अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा ऐसे मोक्लोबेमाइड हाँ इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता तो हूँ डोपा डी, डी डोपा। इसको बॉक्स के मरीज को देते हैं सबका नाम, है। तो नाम, तो नाम याद है सभी को मोहम्मद अली कल होना ऑफ पिक्चर में भी उसने बोला है सैफ अली खान ने अभी रेफरेंस मैंने गाने में दिया ही था ठीक है सो so, इमेजिन कि मोहम्मद अली इज ड्राइविंग मर्सिडीज बेन्स कार एंड इज टेकिंग लॉट ऑफ कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खा रहे हैं ठीक उसके बाद आते हैं नॉन टाइप पे ड्रग्स विल रिएक्ट विद द सेम कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं आपने पढ़े होंगे आयोनिक बॉन्ड्स वैंडर वर्ल्ड बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इतनी स्ट्रांग है कि तुम तोड़ के देखो तोड़ नहीं पाओगे तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में वो कोवैलेंटली बाइंड करते हैं विद विदिन एस्टर एस्टेराटिक साइट इसकी दो साइड्स होती हैं एक होती है एस्टेरा साइट और दूसरी साइट का नाम होता है एन आयोनिक साइट बाद में जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा ए में तब बता दूंगा तो जो बाइंड टू द ठीक है एंटी कैंसर ड्रग 50,000 टाइम्स टाइम्स एफिनिटी फॉर डाईहाइड्रोफोलेट डाइहाइड्रोफोलियडक्टेज अब ये क्या करता है डाईहाइड्रोफोलेट डाईहाइड्रोफोलियडक्टे बेसिकली डाई एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू Tetrahydrofolic acid. Tetrahydrofolic acid जिसमें की हमारी में होता है, है? हो हो इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि डायहाइड्रोफोलिय ट्रेक्टिस को इसने इनबिट कर दिया कैंसर के मरीजों में तो इसका लेवल तो बढ़ जाएगा बट ये तो बना ही नहीं तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमको सो तो इसको कहा जाता है ल्यूकोवोर रेस्क्यू ल्यूकोवोरेन एक फैक्टर होता है विच इज डायरेक्टली हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड देते हैं ल्यूकोवोरेन इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एन फॉर्माइल टेट्राइड्रोफोलिक एसिड होता है इसका दूसरा नाम होता है सिट्रोवोरम सिट्रोवोरम फैक्टर फैक्टर ठीक अब उसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव में इनिबिटर एडजेसेंट साइट मैंने आपको बताया था बगल वाली साइट में ऐसे ऑल्टर कर देता है कि उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी पूरी लूज हो जाती है अब इसमें माइक्लिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इज अनचेंज बट वी मार्क्स डिक्रीज हो जाता है अभी मैं आपको एक टेबल से इसको याद करा दूंगा अब जैसे नॉन कॉम्बेटिव इनोबिटर क्या हो गया एसिटाजोलामाइट कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एसप्रिन एंडो में जैसे पढ़ाऊंगा नॉन स्टेडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सो इनिबिट साइक्लोक्सीजन इज एनजाइम जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है कॉक्स रिस्पॉन्सिबल दो पाथवेज निकलते हैं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से आरिकिडोनिक एसिड बनता है फर्स्फोलि से फिर आरिकिडोनिक एसिड से एक कॉक्स एक लॉक्स

नॉन कॉम्पिटेटिव में बट ऑब्वियस है अगर यहां पर सेम स्ट्रक्चर है तो नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक फिर यहां पर सेम साइट इसमें डिफरेंट साइट ठीक है एज सिंपल एज दैट बस तीन ऐसा आपको याद करने. इसमें सरमाउंटेबल कंसेंट्रेशन हाई कर दिया तो क्या होगा सबसे हाई करने की का फायदा यह होगा कि वो ओवरकम हो जाएगा दिस इज नॉन सरमाउंटेबल माउंटेबल या अनसरमाउंटेबल अच्छा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है उसको अभी डिस्कस कर लेता हूं जिसको आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में केट इज माइकिलेशन दैट इज बेसिकली दिस इज दबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच एंड एंजाइमैटिक रिएक्शन रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम विलॉसिटी इट इज दबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन तो उसको के एम कहा जाता है ठीक अब यही पैरामीटर्स पूछे जाते हैं इसको आप याद रखिए कॉम्पिटिशन में रेस होती है ना दौड़ते हैं सब लोग तो क्या होता है यू रन मोर किलोमीटर राइट सो माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनबिशन नॉन कॉम्पिटेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता और वी मैक्स जो होता है कॉम्पिटेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन कॉम्पिटेटिव में कम हो जाता है सो दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ अब बाद में आए चैनल्स की बात करेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए करण कुमार साइनिंग ऑफ बाय